टिपिकल लद्दाख की स्टाइल। इसमें गर्म भी हो रहा है, खाना भी बन रहा है, रोटी भी पक रही है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ये पूरा पाइप ऊपर लगा हुआ है। ये है हमारा कमरा जिसमें हम रात को सोए हुए थे। काफी गर्म था ये रूम रात को। मिट्टी का बना हुआ है, ओल्ड लद्दाखी होम है ये। और पूरा जो छत है पूरी लकड़ी की है। ये वो घर है जहाँ पे हम रुके थे, अभी बाहर लोग काम कर रहे हैं। और सराउंडिंग में दिखाता हूँ क्या नज़ारा है। चारों तरफ स्नो वाले माउंटेन्स हैं पूरा, और हम इसके सेंटर में हैं। तो हम लुक रहे हुए थे रंगदुम में, ये होटल है और ये है पूरा सराउंडिंग व्यू। ये हमारा ब्रेकफास्ट, ऑमलेट और रोटी। यहाँ पे चेहरे हम सबके लाल लाल दिख रहे हैं ना ठंडी से और धूप से। कर लिया और वी आर रेडी टू स्टार्ट। कारगिल से अराउंड 110 किलोमीटर पहले हम लोग रुके हुए हैं। सो ये हमारा स्टे रंगदूम, और यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब कारगिल के लिए। चल दिया हमें होटल से बाहर निकलते ही कीचड़ और वाटर क्रॉसिंग। मयंक, कल ये पूरा बादल और बारिश वजह से इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, इतना भी धूप में क्लियर दिख रहा है। पर आफ्टर 60 किलोमीटर आई होप वी विल गेट अ रोड्स। ओके, माउंटेन्स क्या दिख रहे हैं। कंप्लीट ऑफ रोडिंग, चार दिन से हम लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कोई रोड नहीं है। थोड़ी सी मिली थी 10 से 12 किलोमीटर पदुम से आगे, उसके बाद से तो पूरा ऑफ रोडिंग है। और कल का हमारा मेमोरी कार्ड करप्ट हो रखा है, कल का तो बहुत ही एडवेंचर था स्नोफॉल। अगर वो वीडियो मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तब तो फिर। इधर ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ब्रिज का। जहाँ जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है वहाँ वहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं ना। नाउ यू कैन गो। बहुत बढ़िया, इजी था। ओह गुड गुड गुड, निकल रहा हूँ मैं पानी में से। और ये निकल गया मैं। वाह, एक और वाटर क्रॉसिंग छोटी सी आ गई, इजी है। फेंसिंग भी बनाना शुरू कर दिया है ये पूरा। मोदी जी तो बाइकर्स का एडवेंचर खत्म करा के मानेंगे। तूफान की आंधी लेके चल रहा है, कहते ना वो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के वाला गाना। वही हाल है, एक रियल आंधी तूफान मिला था और ये रोड का है। तूफान को हमने पीछे छोड़ा था लेह में, पेंगोंग लेक से। सो फील लाइक अ रोड, बट अभी रोड है नहीं, काला काला दिख तो रहा है। नो रोड्स। बगल में नदी, प्लेन रेत। ओ, निकल गए, लूज सैंड है, बहुत संभल के चलना है। रोड से कोई अच्छी होने की उम्मीद नहीं है, रोड बहुत ज्यादा। नीचे से आते हुए गाड़ी को हमेशा पास दें,
जाके आगे जाम ना लगाए। हम तीनों लोग यहाँ पे रुक गए हैं, वी आर फॉलोइंग अ ट्रैफिक रूल्स। बिल्कुल वाइट स्नो दिख रही है, रिवर बह रही है, कुछ जानवर यहाँ पे घास खा रहे हैं और अमेजिंग है। मुझे लग रहा है ग्लेशियर के पीछे का पार्ट है या ग्लेशियर वाला ही पार्ट है जो हमने कल पार किया था। फुल वाइट है, फुल वाइट। ये कीचड़ वाली मिट्टी है, इस जहाँ से टायर गया वहीं से संभल के निकालना है और आगे फिर वाटर क्रॉसिंग। और मैंग ने गाड़ी निकाल ली अपनी बहुत आराम से, इजी इजी इजी। हो गया डन, चलिए इजीली कर लिया हमने ये, इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग कर ली 30-40 की, अब यूज्ड टू हो गए हैं। काफ़ी सारा कीचड़ पार करने के बाद हमें भी ग्रेवल रोड ही मिल रही हुई है। ऑफ रोडिंग टायर्स हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे रोड खाली खाली है, इस पर वो ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है। चिक चक खड़े होके पार कर देंगे आराम से हम। ये आ गई चढ़ाई, वो भी बिना रोड के। क्या रोड है। चढ़ना तो फिर भी इजी है। व्हाट रोड, बगल में खाई, साइड में पहाड़। ओ व्हाट अ व्यू, ये फ्रेश स्नोफॉल है। हम बिल्कुल खड़े हैं ट्रिप के पास, ये पीछे दिख रहा है बिल्कुल फ्रेश स्नो है माउंटेन पे, जो कल स्नोफॉल हो रहा था जो हमें रास्ते में मिला था उसी का नतीजा। बिल्कुल व्हाइट माउंटेन दिख रहा है फ्रेश स्नो से भरा हुआ। अब चलते हैं, ये लैंडस्लाइड जोन है, जल्दी से निकल जाना है। कल बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था, हमें रास्ते में मिला भी था। खतरनाक टाइप की रोड है, तो हम लोग पहुंच गए एक और ग्लेशियर के पास। ये बिल्कुल ग्लेशियर है, दूर दूर तक वहां तक पूरा स्नो दिख रहा है और नीचे पूरा पानी गिर रहा है। और यहां पे हम तीन लोग हैं फिलहाल, बाबा जैकब सर। ये है माउंट, पत्थर गिरा हुआ। मैं क्या रुके हुए हैं, क्या हुआ स्पिन। नीचे से ट्रक आ रहे थे, उनको हमने रास्ता दे दिया। हमने अपनी गाड़ी चौड़ी जगह पे खड़ी कर ली कि ट्रक आसानी से निकल जाए और फिर अब हम चलेंगे बाइक। तो ये माउंटेंस के बेसिक रूल हैं, नीचे से आने वाली गाड़ियों को रास्ता देना और जो पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है वहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ी कर देना। सिटी नहीं है कि कहीं भी लेफ्ट राइट घुसाते रह रहे हो, क्योंकि बहुत ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है भाई। हो कुछ नया देखने को मिला, खतरनाक टाइप की रोड है। और हम लोगों ने लगा लिया साइड ट्रक के, यहाँ से चढ़ रहा है। गाड़ी यहाँ पे स्लिप कर रही है, कीचड़ है, वेरी केयरफुल। और जैसे भी ये पत्थर तोड़ तोड़ के रास्ता बना रही है यहाँ पे, तो
पहाड़ नहीं काट रहे हैं, उधर तक इसको चौड़ी कर देंगे। हम लोग रुके नुनकुन टी स्टॉल परचक और यहाँ पे है ग्लेशियर का बोट और ये पीछे दिख रहा है ग्लेशियर। खराब दो लोग हमारा भी खराब करा दो। हमारे साथ एक और बाइकर हमारे साथ जहाँ जहाँ कल रुके हुए थे टी ब्रेक के लिए। मेटा टू पीपल हियर, जस्ट टेल योर नेम टू द व्यूअर्स। हाय, माय नेम इज रितु बांधानी। हाय, आई एम गुरप्रीत सिंह फ्रॉम पंजाब। तो हम लोग जिधर से अभी वापस आ रहे हैं, ये लोग उधर ही जा रहे हैं। तो जहाँ एंड वी आर ऑलरेडी फिनिश्ड। सो यहाँ पे हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे फोटोज और वीडियोज के लिए। सो वो इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। अंकुश जम्मू से, और ये बताएंगे कि दो बार कहाँ पे जाके फंसे थे। कहाँ फंसे थे भाई दो बार? तो ले वाला रास्ता है ना ऊपर जाने के लिए। हा? तो वहाँ पे चढ़ाई आती है, क्या नाम है उसका, नाम नहीं बताया, बट इतना बताया कि वो पदुम से 100 किलोमीटर ऊपर है। Okay. पदुम से 100 किलोमीटर ऊपर है, तो मुझे लगा मेरी बाइक की सर्विस खराब है, मतलब मोबाइल खराब हो चुका है। वापस आया 100 किलोमीटर, सर्विस करवाई, फिर से वापस गया 100 किलोमीटर, बाद में पता चला कि टायर ही गंजा है। वो तो कल हमने बताया कि भाई टायर तुम्हारा बिल्कुल खराब है, टायर भी हम दिखाते हैं। अगला आदमी जो है बिना बटन टायर के एकदम ऑफ रोडिंग वाले रास्ते पे कह रहा यार गाड़ी चढ़ गई। भाई ऐसा है बिना, और लड़का कुछ भी प्रिपेयर करके दिया है, बड़का मतलब एक्सपीरियंस लेने आया है कि हाँ भाई कैसे पहली बार कैसे उड़ता हुआ तीर लिया जाए। तो ले लद्दाख ऐसा नहीं कि ऐसे ही मोट आए और चले आए, एग्जांपल हमारे सामने है, प्रिपरेशन करके आना है, तैयारी करके आना है गाड़ी का टाइम। और अगर कोई कुछ बता रहा है तो ये नहीं समझना कि सिर्फ वो ज्ञान दे रहा है, भाई वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो बहुत क्रूशियल है। तो इनकी तरफ 2-3 बार जाओगे फिर नीचे आओगे। अभी वापस जा रहे हैं लेकिन कारगिल के 500 किलोमीटर वापस आ रहा हूँ। सेम 500 किलोमीटर, समझ गए टायर कितना इम्पोर्टेंट है। इसे कहते हैं देखो दुनिया गोल है और जिंदगी भी गोल है, है ना, जहाँ चालू कर रहे थे वही वापस आना पड़ रहा है क्योंकि आगे जा नहीं सकते। यहाँ पे रुके थे हम लोग टी ब्रेक के लिए, टी ब्रेक हो गया। टी ब्रेक बोले करने के बाद चल चुके हैं। क्या व्यू है, एक स्मॉल विलेज में से होके जा रहे हैं। हम नीचे की तरफ ही उतरते जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिल रही है और माउंटेन्स की हाइट जो है बढ़ती जा रही है। मयंक फेल डाउन, ये गिट्टी है ना पूरा, चलो कुछ नहीं, सीन बन गई है, हाथी अपने ऊपर पानी डाल रही है, ठंडा कर रही है। यहाँ तो हर टर्न पे व्यू है, चढ़ाई की हमें थोड़ी सी ठीक ठाक रोड मिली थी, उसके बाद फिर से कहानी यही है। कहते हैं ऑफ रोडिंग, बगल में खाई, राइट हैंड में पहाड़ और बीच में ये उबड़ खाबड़ रोड, कितना अच्छा लग रहा है। फूल थी कि कीचड़ भी आ गई, बहुत संभल के निकलना है गाड़ी को, बहुत ही ज़्यादा। इधर से कोशिश करेंगे इधर से निकल, और निकल गए। सिटी आ गई है, शायद शंकु सिटी होगी, बिल्कुल अलग क्लाइमेट में आ गए हम लोग। ये है विलेज का क्लियर व्यू और सामने कीचड़। ओहो, गूगल में चेक कर लीजिए, ये रोड नीचे अच्छी दिख रही है। अच्छा,
कोचिक 0 किलोमीटर। दो बजने को आ गए हैं और हम लोग सिर्फ 51 या 52 किलोमीटर हैं। ये उतर गए काफ़ी नीचे हम लोग पहाड़ों से, अगल बगल थोड़े पेड़ पौधे दिखने लगे। क्या व्यू है सामने माउंटेन का। और ये है नया होप कि ये कारगिल का ही रास्ता हो। मौसम आगे बिल्कुल खराब है। हाँ रुक जाते हैं, ये साइड में रिवर, क्या पानी आ रहा है कितना तेज। लद्दाख पुलिस का चेक पोस्ट है यहाँ पे। सो ये चेक पोस्ट था, उसको क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ से कारगिल के लिए चल दिए। चेक पोस्ट को पार करने के बाद अब टार रोड मिल गई है, बीच बीच में ब्रिज है बट इट्स ओके फाइनली। क्या व्यू है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये, और पूरा वाटर क्रॉसिंग, और ये पत्थर गिरे हुए हैं रोड पे। हम लोग पार करेंगे इस ब्रिज को। नदी के हम लोग दूसरी तरफ आ गए हैं। 4 दिन बाद तो अच्छी रोड मिली है हमें चलाने के लिए। और ये ब्रिज को करेंगे क्रॉस। पुराना ब्रिज उस साइड है, ये नया ब्रिज है, चौड़ा है, मजबूत है और पुराने वाले से ज़्यादा टिकाऊ है। ऐसा रास्ता तो मतलब 15-16 दिन बाद मिला है जिसमें दोनों तरफ पेड़ पौधे हों भी इतने घने हैं। ये है शंकु विलेज। यहाँ थोड़ा आबादी तो ज़्यादा है अभी तक, तो इतने मिले। गोम्बा गेस्ट हाउस, शंकु कारगिल, नंबर भी लिखा हुआ है। शंकु इज़ अ बिग टाउन, जितने भी मिले उससे सबसे बड़ा है। राइट हैंड साइड में क्या नज़ारा है। के रास्ते पे और मेरे आगे चल रहे मयंक, उनके आगे है चेकअप सर। और 4 दिनों के बाद जो रोड मिली है उसकी खुशी अलग ही है। सामने भी एक विलेज दिख रहा है कोई। कहां कहां तक घर बना हुआ है भाई। सो वी आर इन द लोकेशन जहां पे टेम्परेचर -30 जाता है सर्दियों में, -30 जाता है। एंड ही इज कीपिंग दिस बाइक हियर, सो कैसे मेंटेन करते हैं ही विल एक्सप्लेन। ब्लोअर लगे हुए बाइक के लिए, ब्लोअर्स लगे हुए हैं तो बाइक को या सो यहाँ पे बर्फ होती है, -30 की टेम्परेचर होता है। ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज बाइक इन व्हाटएवर वे पॉसिबल, दैट्स वेयर द ट्रू लव फॉर द बाइक इज। एंड दिस इज अ वंडरफुल ट्रायंफ टाइगर XCX। सो XCX इज
special functionalities for performing well in off-roading. Yes. So that's true about that XC model. So Mr. Akshay has been riding this bike in the toughest terrain of the world, Ladakh, and he loves it. That's all he can say, what he wants to tell about his bike. Your bike. You must always prepare for the slide, not for the ride. Very well said. That's true. पीक और वहाँ पे वो जिगजैग रोड दिख रही है, वो भी एक लद्दाख को कनेक्ट करेगी रोड फ्यूचर में. ऑलरेडी टॉप तक बन चुका है ब्लैक टॉप, और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद चल दिए हैं कारगिल के लिए. कोई तो गांव या सिटी आ गया छोटा सा. व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड. ओहो मजा आ गया. साइड में देखिए रिवर, क्या रिवर है, उसमें चिड़िया उड़ रही है. रिसोर्ट भी है यहाँ पे, वैली व्यू रिसोर्ट कैफे द रिवर साइड स्पून कारगिल. तो एक कारगिल से थोड़ा पहले है आशियाना इको रिजॉर्ट. चुटक पावर स्टेशन हमारे राइट साइड में है, और यहीं पे सारा कुछ था. ये राइट में दिख रहा है. Lot of construction on right side of the hill. हम लोग हैं अभी कारगिल सिटी के अंदर, होटल डी जोलीला. ये फ़ोन नंबर, ये बाकी डिटेल्स, तो जिसको चाहिए वो पहुँच करके देख लेगा. और हम लोग कारगिल सिटी को पार कर रहे हैं. तो ये चेक पोस्ट है यहाँ की. यहाँ तो पानी बिल्कुल क्लीन आ रहा है, ब्लू क्लीन दिख रहा है, बिल्कुल क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर दिख रहा है. सामने बना हुआ ब्रिज, ग्रीनरी, पत्थर, पहाड़, अल्टीमेट क्या नज़ारा है. बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की यहाँ पे, और नज़ारा और भी अच्छा होता जा रहा है. अभी बारिश हो रही थी और अभी बारिश बंद हो गई है. हम हैं कारगिल से द्रास के रास्ते पे. जो कारगिल वार मेमोरियल है एक्चुअली वो द्रास में है, नॉट इन द कारगिल. तो हम लोग पहले वहाँ पे जाके ब्रेक लेंगे वार मेमोरियल, एंड देन वी आर गोइंग फॉर अ फर्दर स्टेइंग ऑप्शन. व्यू करते करते थक गए, बट व्यू खत्म नहीं हो रहा है. हर कर्व पे एक नया व्यू दिख रहा है. पहाड़ों पे धूप पड़ रही है, किसी पे छाया है, किसी पे धूप है. हर समय यहाँ पे अलग अलग नज़ारा देखने को मिलता है. एवरी सेकेंड व्यू विल बी चेंज. ठीक है, पैलर पहुँच गए उतरते उतरते. तो बिल्कुल हमारे बगल में आते हैं. तो हम लोगों ने अपना वहाँ पे रुकने का प्रोग्राम बदल दिया, क्योंकि हम सीधे अब जाना चाहते हैं द्रास. शाम हो रही है, वार मेमोरियल क्लोज भी हो जाएगा, पर एटलीस्ट विल गेट अ पिक इन सनलाइट. और बीच में हमें जोजिला भी क्रॉस करना है, तो वी आर नॉट टेकिंग अ टू मच ब्रेक, जस्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द्रास. और वो सामने माउंटेन दिख रहा है, पूरा एक सीधी लाइन दिख रही है बादल की, बट बीच में से बादलों के पहाड़ दिख रहा है. ध्यान से देखने पर दिखेगा, काफ़ी ऊँचा माउंटेन है वो.
कुछ 16 किलोमीटर बचा हुआ है द्रास, और सेम रास्ता वही है नदी के किनारे। रिवर का पानी बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, ठंडी थोड़ी बढ़ गई है और कभी अप कभी डाउन ये चल रहा है हिल्स पे। और होप 15 से 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे द्रास। द्रास इज नाउ 7 किलोमीटर, बट कैफे वैफे यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं जब आप कारगिल की तरफ से आते हो। दिस इज द कारगिल वार मेमोरियल। यहाँ पार्किंग बन गई है, जब मैं पहली बार आया था तो इतना कुछ नहीं था। और इसके सामने ये है पार्किंग, यहाँ पे पार्क कर देते हैं।